सुना, फिर भाग गए लोग। आज सबसे पहले हम लोग चैप्टर लाइव प्रोसेस शुरू करेंगे। चैप्टर लाइव प्रोसेस में क्वेश्चन एंड आंसर्स, लाइव प्रोसेस, ये चैप्टर लाइव प्रोसेस का, ठीक है, जो क्वेश्चन एंड आंसर है ये आज जो हम लोग यूज कर रहे हैं, ये है पार्ट टू। आज हम लोग सेकेंड पार्ट इसका करेंगे। पहला पार्ट हम लोग पहले भी कर चुके हैं, पार्ट टू, ठीक है। सबसे पहले हम लोग एमसीक्यू फॉलो करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, पहला क्वेश्चन है, द किडनी इन ह्यूमन बींग, द किडनी इन ह्यूमन बींग आर अ पार्ट ऑफ द, किडनी इन ह्यूमन बींग आर अ पार्ट ऑफ द सिस्टम फॉर, ए, फर्स्ट ऑप्शन है न्यूट्रिशन, बी, सेकेंड ऑप्शन है रेस्पिरेशन, सी, थर्ड ऑप्शन है एक्सक्रीशन, एंड डी, लास्ट ऑप्शन यानी फोर्थ ऑप्शन है ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किडनी जो है ह्यूमन बींग में किस सिस्टम का पार्ट है, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन या ट्रांसपोर्टेशन। किडनी के थ्रू क्या होता है, रिमूवल ऑफ वेस्ट होता है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, दैट इज एक्सक्रीशन, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन टू, है पार्शियल, हाँ आ रहा है, पार्शियल नहीं जी, किडनी है, किडनी में तुम्हारा एक्सक्रीशन होगा, ट्रांसपोर्टेशन में ब्लड और हार्ट होगा, अगर हार्ट रहता तो ट्रांसपोर्टेशन होता। पार्शियल डाइजेशन ऑफ फूड, टेक्स प्लेस इन, पार्शियल डाइजेशन बोलो या इनकम्प्लीट डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन। फर्स्ट ऑप्शन है माउथ, ठीक है, सेकेंड ऑप्शन है इसोफेगस, थर्ड ऑप्शन है स्टमक, और फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस, तो ये जो तुम्हारा फोर्थ ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन है स्टमक, में इनकम्प्लीट या पार्शियल डाइजेशन ऑफ फूड होता है, और हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड होता है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, पार्शियल डाइजेशन ऑफ फूड, तो पार्शियल डाइजेशन ऑफ फूड के लिए करेक्ट ऑप्शन क्या है, स्टमक, ठीक है। अब आ जाओ थर्ड ऑप्शन, में क्या है, द जाइलम, इन प्लांट्स, आर responsible for, xylem in plants are responsible for, पहला option है transport of water, दूसरा option है transport of food, तीसरा option है ट्रांसपोर्ट ऑफ एमिनो एसिड,
ऑफ एमिनो एसिड एंड द फोर्थ ऑप्शन इज ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। एमंग दिस फोर जाइलम ऑन जाइलम ऑफ प्लांट किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है बोलो। फर्स्ट ऑप्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, सेकेंड ऑप्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, थर्ड ऑप्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ एमिनो एसिड एंड फोर्थ ऑप्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो विच इज रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, किस चीज के लिए, किसके ट्रांसपोर्ट के लिए जाइलम रिस्पॉन्सिबल है प्लांट में बोलो। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, हाँ आंसर होगा ए, दैट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। ठीक है, अब हम जिससे पूछेंगे वही बताना। फोर्थ द ऑटो ट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्स, द ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्स ए कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, बी क्लोरोफिल, सी सनलाइट, डी ऑल ऑफ द एबव। प्लांट जो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन परफॉर्म करता है उसमें क्या जरूरी है, फर्स्ट ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, सेकेंड ऑप्शन क्लोरोफिल, थर्ड ऑप्शन सनलाइट एंड फोर्थ ऑप्शन इज ऑल ऑफ द एबव। जिज्ञासा बोलो इसमें से कौन ऑप्शन होगा। इन चारों में से इन द फोर्थ क्वेश्चन विच इज द करेक्ट ऑप्शन अमंग ए बी सी डी। द ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर, द ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर ऑप्शन होगा लास्ट ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि फोटोसिंथेसिस यानी ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में CO2 और वाटर कंबाइन करके कार्बोहाइड्रेट बनाएगा, बट उसके लिए उसको क्या चाहिए, दोनों को कंबाइन करने के लिए एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी कौन देगा सनलाइट, और दोनों को कंबाइन करेगा कौन क्लोरोफिल विच इज प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट। सो ऑल दिस थ्री आर रिक्वायर्ड, इसलिए ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नाउ ऑप्शन फाइव, क्वेश्चन फाइव, क्वेश्चन फाइव है द द ब्रेकडाउन, द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी टेक्स प्लेस इन द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट, यानी पायरुविक एसिड को तोड़ा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में और एनर्जी में, इट टेक्स प्लेस इन कहां पे होता है। फर्स्ट ऑप्शन साइटोप्लाज्म, सेकेंड ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया, थर्ड ऑप्शन सनलाइट एंड द फोर्थ ऑप्शन इज सनलाइट नहीं, इसमें लिख दो क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड द फोर्थ ऑप्शन इज न्यूक्लियस। ठीक है, तो इसमें से अमंग दिस फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल साइटोप्लाज्म माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट एंड न्यूक्लियस किसमें पाइरुविक एसिड ब्रेक डाउन करेगा इनटू कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी। बोलो सुमित, अमंग दिस फोर ऑप्शन विच इज द करेक्ट। सुमित बता रही, एक मिनट, साइटोप्लाज्म माइटोकॉन्ड्रिया, आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया।
माइटोकॉन्ड्रिया में बेसिकली एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। अब ऑप्शन सिक्स में हो, सिक्स क्या है, विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल रिसीव बाइल फ्रॉम द लीवर, एलिमेंट्री कैनाल का कौन सा पार्ट बाइल जूस रिसीव करता है लीवर से, ठीक है। क्या क्या देखो, फर्स्ट पार्ट इज स्टमक, सेकेंड पार्ट इज स्मॉल इंटेस्टाइन, थर्ड पार्ट इज लार्ज इंटेस्टाइन एंड द फोर्थ पार्ट इज, फोर्थ ऑप्शन है नॉन ऑफ द एबव, इसी में से कोई नहीं, नॉन ऑफ द एबव। क्वेश्चन सुन लो, विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इन मीन्स आवर डाइजेस्टिव सिस्टम रिसीव बाइल फ्रॉम द लीवर, लीवर बाइल जूस को प्रोड्यूस करता है, तो हमारे एलिमेंट्री कैनाल का में क्या क्या है, माउथ, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, तो इसमें से किस पार्ट में बाइल जूस जाता है, पहला ऑप्शन है स्टमक, सेकेंड ऑप्शन इज स्मॉल इंटेस्टाइन, थर्ड ऑप्शन इज लार्ज इंटेस्टाइन, फोर्थ ऑप्शन इज नॉन ऑफ द अबव, बोलो आंसर कौन होगा, सूरज, सूरज, सूरज है कि नहीं है, तो बोल क्यों नहीं रहा है, बोलो आंसर बोलो, विच इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर सिक्स, तुम लोग को अभी जस्ट सेकेंड में बताएं, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है और पार्शियल डाइजेशन ऑफ फूड स्टमक में होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड होता है तो उसको दो सिक्रेशन मिलता है, एक बाइल जूस फ्रॉम लीवर और दूसरा पैनक्रियाटिक जूस फ्रॉम पैनक्रियास, तो आंसर तुम्हारा होगा स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल विच रिसीव बाइल फ्रॉम द लीवर, तो ऑप्शन क्वेश्चन सिक्स का ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, समझ आया सूरज, सुमित, जिज्ञासा, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन सेवन में जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन सेवन, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन, रेस्पिरेशन के समय एक्सचेंज ऑफ गैस कहां पे होता है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है ट्रैकिया एंड लंग्स, सेकेंड ऑप्शन है एल्वियोली ऑफ लंग्स, थर्ड ऑप्शन इज एल्वियोली एंड थ्रोट, थ्रोट मीन्स फेरिंग्स, एंड फोर्थ ऑप्शन इज थ्रोट एंड लैरिंग्स, थ्रोट एंड लैरिंग्स, तो ये जो हम चार ऑप्शन दिए हैं हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का, इसमें किसमें गैस का एक्सचेंज होता है, बोलो विच इज द करेक्ट ऑप्शन, जिज्ञासा, ऑप्शन ए ट्रैकिया एंड लंग्स, ऑप्शन बी एल्वियोली ऑफ लंग्स, ऑप्शन सी एल्वियोली एंड थ्रोट, एंड ऑप्शन डी थ्रोट एंड लैरिंग्स, अमंग दिस फोर विच इज द करेक्ट, जिज्ञासा,
विच इज द करेक्ट ऑप्शन? ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एक्सचेंज ऑफ गैस टेक्स प्लेस इन विच पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम? फर्स्ट ट्रैकिया एंड लंग्स, सेकेंड ऑप्शन एल्वियोली ऑफ लंग्स, थर्ड ऑप्शन एल्वियोली एंड थ्रोट, फोर्थ ऑप्शन थ्रोट एंड लैरिंग्स. विच इज द करेक्ट ऑप्शन? नो, आंसर होगा एल्वियोली. एल्वियोली का ही दूसरा नाम है एयर सैक, जो लंग्स के अंदर पाया जाता है एंड इट इज इन्वॉल्व इन गैसियस एक्सचेंज. ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 8 क्या है देखो. 8 इज एरोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक रेस्पिरेशन produces, aerobic respiration produces A 36 ATP, B 38 ATP, C 2 ATP and D 40 ATP. बोलो aerobic respiration में कितना ATP produce होता है, कितना adenosine triphosphate release होता है? 36, 38, 2 और 40. विच इज द करेक्ट ऑप्शन? सूरज, सूरज विच इज द करेक्ट ऑप्शन? बोलो, तुम्ही को बोल रहे हैं सूरज. बोलो सुमित. हाँ, टू नहीं, गलत. एरोबिक रेस्पिरेशन पूछ रहे हैं. इट 280 इज इन एन एरोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक रेस्पिरेशन में करेक्ट ऑप्शन इज बी, दैट इज 38 एटीपी. हम एरोबिक पूछ रहे हैं. एरोबिक मींस प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में कितना एटीपी रिलीज होता है? 38. ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 में आइए. 9 क्या है? व्हाट विच प्रिवेंट backflow of blood, which prevent backflow of blood inside the heart, which prevent backflow of blood inside the heart during contraction. During contraction, first option valves in heart, second option thick muscle wall of ventricle, thick muscle wall of ventricle, third option thin wall of atria, and the fourth option is all of the above. All of the above. बोलो इसमें से पूछा जा रहा है कि कौन रोकता है, प्रिवेंट करता है बैकफ्लो ऑफ ब्लड, ब्लड को पीछे की तरफ जाने से, किसमें? इनसाइड द हार्ट. पहला ऑप्शन है वेल्व, दूसरा ऑप्शन है थिक मसल वॉल, थर्ड ऑप्शन है थिन वॉल ऑफ आर्ट्रिया, एंड फोर्थ है ऑल ऑफ दिस. तो इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? बोलो सुमित. सुमित बोलो, इसमें से कौन सा स्ट्रक्चर हर्ट में बैकफ्लो ऑफ ब्लड, मतलब जो ब्लड एक बार फॉरवर्ड फ्लो कर गया उसको वापस पीछे की तरफ जाने नहीं देता है, कौन सा स्ट्रक्चर इसमें रिस्पॉन्सिबल है? हाँ, वेल्व. हम लोग पढ़े हैं ना, दो वेल्व होता है V1 V2 और एक दो होता है तुम्हारा आर्टरी की तरफ, है ना. तो ये हो गया वेल्व, हमेशा ब्लड को फॉरवर्ड फ्लो करने देता है लेकिन बैकवर्ड फ्लो करने नहीं देता है. सो वेल्व प्रिवेंट बैकफ्लो ऑफ ब्लड. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 है द फिल्टरेशन यूनिट.
द फिल्टरेशन यूनिट ऑफ किडनी, द फिल्टरेशन यूनिट ऑफ किडनी, ठीक है, आर कॉल्ड, किडनी के फिल्टरेशन यूनिट को क्या कहते हैं? फर्स्ट देखो, चार ऑप्शन है, यूरेटर, यूरेथ्रा, नेफ्रॉन और डी न्यूरॉन। बोलो जिज्ञासा, इसमें से एक्सक्रीटरी ऑर्गेन यानी किडनी का कौन सा पार्ट फिल्टरेशन यूनिट कहा जाता है? यूरेटर, यूरेथ्रा, नेफ्रॉन या न्यूरॉन? विच पार्ट इज रिगार्डेड एज फिल्टरेशन यूनिट ऑफ किडनी? जिज्ञासा, लेफ्ट है। चलो सूरज बोलो, न्यूरॉन होगा, न्यूरॉन होता है नर्वस सिस्टम में, आंसर होगा नेफ्रॉन, ठीक है, नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी विच हेल्प्स इन द फिल्टरेशन ऑफ इम्प्योर ब्लड, दैट इज जिसको हम लोग ग्लोमुलर फिल्ट्रेट बोले थे, ठीक है, इतना जल्दी भूलो मत। क्वेश्चन नंबर 11, ऑक्सीजन लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ऑक्सीजन लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम, ऑक्सीजन लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम, किससे आएगा? पहला वाटर, दूसरा क्लोरोफिल, ठीक है, तीसरा CO2 एंड द फोर्थ इज ग्लूकोज। बोलो, फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ऑक्सीजन रिलीज होता है ये किससे होता है? वाटर, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और ग्लूकोज। बोलो, जिज्ञासा आ गई है? तो बोलो सुमित, बोलो, ऑक्सीजन लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम, किससे होगा? बट आंसर होगा वाटर, क्लोरोफिल में कहां से मिलेगा तुमको ऑक्सीजन, ठीक है, क्योंकि वाटर में क्या होता है, देखो H2O ये टूटेगा ना जी, H+ और OH- में, समझ आया? ठीक है, तब तुम बोल दिया क्लोरोफिल, क्लोरोफिल में क्या होता है, क्लोरोफिल में कहां से होगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखो, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, 12 है, द ब्लड लीविंग द टिश्यू, द ब्लड लीविंग द टिश्यू, जो ब्लड टिश्यू से बाहर निकल रहा है, ठीक है, बिकम्स रिचर इन, वो किस चीज से इनरिच होता है? चार ऑप्शन है, पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन है वाटर, थर्ड ऑप्शन है हेमोग्लोबिन और फोर्थ ऑप्शन है ऑक्सीजन। बोलो, टिश्यू से जो ब्लड रिलीज होता है
वो किस चीज में सबसे ज्यादा इनरिच होता है, सबसे ज्यादा उसमें कौन पाया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हेमोग्लोबिन की ऑक्सीजन, क्या होगा बोलो? हाँ नहीं जी, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि टिश्यू में क्या होगा, एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा, सॉरी एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, तो एरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो क्या रिलीज होगा, CO2 प्लस वाटर, तो लगातार ब्लड में किसका परसेंटेज बढ़ेगा, CO2 का, तो CO2 का जो परसेंटेज बढ़ेगा तो ब्लड लगातार किस चीज में कन्वर्ट होगा, डीऑक्सीनेटेड ब्लड में, ठीक है, ध्यान देना, देखो यही सब क्वेश्चन है जो ध्यान देना है। अब क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट, पहला ऑर्गेनिज्म ग्रो विथ टाइम, फर्स्ट ऑप्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट है वो समझ लो, ऑर्गेनिज्म ग्रो विथ टाइम, सेकेंड ऑर्गेनिज्म मस्ट रिपेयर, ऑर्गेनिज्म मस्ट रिपेयर एंड मेंटेन देयर स्ट्रक्चर, थर्ड मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स डज नॉट टेक्स प्लेस, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स डज नॉट टेक्स प्लेस एमंग सेल, डज नॉट टेक्स प्लेस एमंग सेल्स, एंड फोर्थ एनर्जी इज एसेंशियल फॉर लाइफ प्रोसेस, एनर्जी इज एसेंशियल फॉर लाइफ प्रोसेस, एनर्जी जो है वो एसेंशियल है लाइफ प्रोसेस के लिए। ये चार स्टेटमेंट में से कौन गलत है ये तुमको बताना है। पहला है ऑर्गेनिज्म ग्रो विथ टाइम, समय के साथ ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ होता है, सही है। सेकेंड ऑर्गेनिज्म मस्ट रिपेयर एंड मेंटेन देयर स्ट्रक्चर, ऑर्गेनिज्म अपने स्ट्रक्चर को मेंटेन करे और इसके लिए वो अपने डैमेज पार्ट को रिपेयर करे, कहे सही है। थर्ड में बोला गया है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स डज नॉट टेक प्लेस एमंग द सेल, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल नहीं होता है, क्या ऐसा संभव है? आंसर है गलत, तो ऑप्शन सी जो है दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। नाउ ऑफ क्वेश्चन नंबर 14 है द इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी क्या है, द इंटरनल एनर्जी, ठीक है, दैट इज सेलुलर एनर्जी, द इंटरनल एनर्जी रिजर्व इन ऑटोट्रॉप, ऑटोट्रॉप में जो इंटरनल रिजर्व फूड है वो क्या है, ऑटोट्रॉप इज, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, ग्लाइकोजन, सेकेंड ऑप्शन क्या है, प्रोटीन, थर्ड ऑप्शन क्या है, स्टार्च, फोर्थ ऑप्शन क्या है, फैटी एसिड, फैटी एसिड। तो ये जो चार ऑप्शन है ग्लाइकोजन प्रोटीन स्टार्च और फैट, इसमें से कौन सा रिजर्व फूड है ऑटोट्रॉप में, मान लो प्लांट पकड़ते हैं तो प्लांट का रिजर्व फूड क्या है, बोलो दोनों में से कोई एक बोलो आंसर, विच इज द करेक्ट ऑप्शन, विच इज द करेक्ट ऑप्शन बोलो, ग्लाइकोजन प्रोटीन स्टार्च एंड फैटी एसिड, अमंग दिस विच इज द
इंटरनल एनर्जी रिजर्व इन ऑटोट्रॉप, या बोल सकते हो रिजर्व फूड मटेरियल ऑटोट्रॉप क्या होगा? स्टार्च। यस, स्टार्च जो है ये करेक्ट आंसर है। अब 15 नंबर क्वेश्चन में, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा या स्टोमाटल पोर डिपेंड्स अपॉन, स्टोमाटल पोर डिपेंड्स अपॉन, पहला ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड सॉरी ऑक्सीजन, दूसरा ऑप्शन टेम्परेचर, थर्ड ऑप्शन वाटर इन गार्ड सेल, और फोर्थ ऑप्शन कंसेंट्रेशन ऑफ CO2 इन स्टोमाटा, कंसेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन स्टोमाटा। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटल पोर जो है वो किसके ऊपर डिपेंड है, ऑक्सीजन, टेम्परेचर, वाटर इन गार्ड सेल या कंसेंट्रेशन इन स्टोमाटा, बोलो। हाँ, वाटर इन गार्ड सेल, ठीक है। गार्ड सेल में वाटर ज्यादा होगा तो गार्ड सेल में टर्जर प्रेशर क्रिएट होगा, जिससे वॉल एक दूसरे से अलग होगा तो स्टोमाटल पोर ओपन हो जाएगा, और गार्ड सेल में वाटर का प्रेशर घट जाएगा तो गार्ड सेल बिकम फ्लैसिड, और फ्लैसिड होगा तो फिर स्टोमाटल पोर क्लोज हो जाएगा, तो हो गया वाटर इन गार्ड सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द फर्स्ट इंजाइम टू मिक्स विथ फूड, विच इज द फर्स्ट इंजाइम टू मिक्स विथ फूड इन द डाइजेस्टिव ट्रैक, इन द डाइजेस्टिव ट्रैक। हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में सबसे पहला इंजाइम कौन है जो हमारे फूड के साथ मिक्स होता है? देखो चार ऑप्शन है। हाँ, तो आंसर है, देखो क्वेश्चन है, चार ऑप्शन, पेप्सिन, बी सेलुलेस, सी एमाइलेस एंड द फोर्थ इज ट्रिप्सिन। अब इसमें से कौन सा सही है बताओ सुमित? सी होगा, एमाइलेस, ठीक है। सो एमाइलेस इज द फर्स्ट इंजाइम विच इज रिलीज इन आवर माउथ by the salivary gland. Salivary gland release saliva and saliva contain salivary amylase. ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन शुरू कर देता है from the mouth. ठीक है, तो ऑप्शन सी। अब क्वेश्चन नंबर 17. क्वेश्चन नंबर 17, ड्यूरिंग डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू, ड्यूरिंग डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू ऑफ human being, during deficiency of oxygen in tissue of human being, pyruvate means pyruvic acid is converted, is converted into lactic acid,
पाइरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड इन द कहां कहां पे होगा, देखो चार ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन इज साइटोप्लाज्म, ओके। सेकेंड ऑप्शन इज क्लोरोप्लास्ट। थर्ड ऑप्शन इज माइटोकॉन्ड्रिया एंड द फोर्थ ऑप्शन इज गॉल्जी बॉडी। गॉल्जी बॉडी तो बोला जा रहा है कि ड्यूरिंग डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन, ह्यूमन बींग के टिश्यू में जब ऑक्सीजन का डिफिशियंसी होता है तो पाइरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड। ये कहां पे होता है, ठीक है, साइटोप्लाज्म में, क्लोरोप्लास्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया में कि गॉल्जी बॉडी में, बोलो किसमें होगा। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया में एरोबिक होता है। आंसर होगा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, द लेंथ ऑफ द ह्यूमन इसोफेगस, द लेंथ ऑफ द ह्यूमन इसोफेगस इज, द लेंथ ऑफ द ह्यूमन इसोफेगस इज, फर्स्ट ऑप्शन 25 सेंटीमीटर, सेकेंड ऑप्शन 20 सेंटीमीटर, थर्ड ऑप्शन 21 सेंटीमीटर एंड फोर्थ ऑप्शन 19 सेंटीमीटर। बोलो सुमित, लेंथ ऑफ ह्यूमन इसोफेगस, सुमित बोलो। नहीं है सुमित, क्या होगा आंसर, 25 सेंटीमीटर। अब 19 सुमित बोलेगा, ठीक है। 19 क्वेश्चन नंबर देखो, फंजाई हैव मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फर्स्ट हेटरोट्रॉपिक, सेकेंड ऑटो ट्रॉपिक, थर्ड बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। फंजाई में कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है सुमित, हेटरोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस, क्या होगा करेक्ट ऑप्शन बोलो। ऑटोट्रॉपिक नहीं, हेटरोट्रॉपिक होगा ना, क्योंकि फंजाई क्या है, फंजाई आर डिकम्पोजर। डिकम्पोजर किसको बोलते हैं, दोज ऑर्गेनिज्म हु टेक देयर फूड फ्रॉम डिग्रेडिंग कॉम्प्लेक्स डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक पार्ट्स इनटू सिंपल सॉल्युबल वन। जैसे बैक्टीरिया और फंजाई क्या है, ये जो डेड और डिकेइंग मरे और सड़ा गला जो ऑर्गेनिक फूड है उसके ऊपर एक सर्टेन एंजाइम रिलीज करता है केमिकल, उसके बाद वो कॉम्प्लेक्स डेड एंड डिकेइंग फूड को तोड़ता है इनटू सिंपल एंड सॉल्युबल पार्ट, उसमें से कुछ पार्ट को वो खुद लेता है टू मेंटेन देयर बॉडी फंक्शन एंड रेस्ट इज इंटर इनटू द सॉइल और द एनवायरमेंट। तो आंसर होगा हेटरोट्रॉपिक, ठीक है। फंजाई कभी भी ऑटोट्रॉपिक नहीं होगा, क्योंकि फंजाई क्या होता है, ए क्लोरोफिलस, दैट इज एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल। लास्ट पैनक्रियाटिक जूस कंटेन, पैनक्रियाटिक जूस में क्या पाया जाता है, देखो ऑप्शन फर्स्ट ट्रिप्सिन, ऑप्शन सेकेंड लाइपेस, ऑप्शन थर्ड पैनक्रियाटिक एमाइलेस, ऑप्शन फोर्थ ऑल ऑफ दिस। बोलो सूरज, विच इज द करेक्ट ऑप्शन, पैनक्रियाटिक जूस कंटेन ट्रिप्सिन, लाइपेस, पैनक्रियाटिक एमाइलेस और द ऑप्शन फोर्थ ऑल ऑफ दिस।
बोलो सी नहीं, आंसर होगा डी, पैनक्रियाटिक जूस पैनक्रियाटिक ट्रिप्सिन रिलीज करता है फॉर प्रोटीन डाइजेशन, लाइपेज रिलीज करता है फॉर लिपिड डाइजेशन, एंड एमाइलेज रिलीज करता है फॉर डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो तीनों चीज, क्योंकि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड होता है, और वो कौन करता है, पैनक्रियाटिक जूस जिसमें ट्रिप्सिन लाइपेज और पैनक्रियाटिक एमाइलेज तीनों मौजूद है। सो द फोर्थ ऑप्शन दैट इज ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर। समझ आया? ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग 2, 3 और 5 कंप्लीट करेंगे। ठीक है।